खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। तो पूरी दुनिया जिस कश्मीर की ओर टकटकी लगाए देख रही है कि आखिर मोदी सरकार क्या फैसला लेगी। उस कश्मीर को लेकर हलचल हो गई है तेज। देर रात पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को कर दिया गया नजरबंद। इन दोनों नेताओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पूरे कश्मीर में धारा 144 लागू है, जम्मू में भी धारा 144 लागू है। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सब बंद है, लैंडलाइन फोन भी चल नहीं रहे। ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर का जान लीजिए। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती नजरबंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर में धारा 144 है, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद है। श्रीनगर में ब्रॉडबैंड लैंडलाइन भी नहीं चल रहे, ये भी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 9:30 बजे जो बड़ा एक्शन होने वाला है उसका रिएक्शन पहले ही घाटी में यह है। जम्मू में भी धारा 144 है, स्कूल कॉलेजेस बंद है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिलहाल के लिए रोकी गई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सुबह 9:30 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर आर पार या फिर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ये फैसला इतना बड़ा होगा कि आज सदन में भी सरकार इस फैसले की जानकारी संसद को देगी। 4 तस्वीरें आपके सामने, पूरा सूरत हाल ग्राउंड जीरो से लेकर दिल्ली की हलचल आपके सामने। महबूबा मुफ्ती नजरबंद कल रात ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, उसके अलावा उमर अब्दुल्ला को भी नजरबंद कर दिया गया अपने घर में। जम्मू में धारा 144 लगा दी गई है, श्रीनगर में धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट सेवाएं और फोन भी बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सुबह 9:30 बजे बड़ी कैबिनेट मीटिंग मोदी सरकार की होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर कोई ऐसा फैसला होगा जिसका कोई गलत संदेश ना जाए, कोई गलत एक्शन या रिएक्शन ना देखने को मिले घाटी में। इसीलिए एहतियात के तौर पर तमाम फैसले पहले तमाम एजेंसियों द्वारा ले लिए गए हैं। तो 4 तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने इस वक्त जम्मू कश्मीर का पूरा सूरत हाल दिल्ली से लेकर घाटी तक रख रही हैं। क्यों? क्योंकि घाटी में जो होता है वो सीधा प्रभावित करता है दिल्ली को, और दिल्ली में जो होता है सीधा प्रभावित करता है घाटी को। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर यह बड़ा एक्शन हुआ है। पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला नजरबंद किए गए हैं। कश्मीर में सियासी सरगर्मी के बीच दिल्ली से बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र की सरकार ने बीती रात घाटी के बड़े नेताओं को नजरबंद करने का आदेश दिया। रात 12 बजे के करीब पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला नजरबंद कर दिए गए। दोनों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नजरबंद होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने बयान जारी किया कि ऐसे फैसलों का समर्थन कर रहे लोगों को अंदाजा भी नहीं कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। महबूबा को इस मौके पर बीजेपी के ही वाजपेयी याद आए। ये कैसी विडंबना है कि हमारे जैसे चुने हुए प्रतिनिधि जिन्होंने शांति के लिए लड़ाई लड़ी उन्हें नजरबंद कर दिया गया। दुनिया देख रही है कि किस तरह लोगों की आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी नेता होने के बावजूद वाजपेयी जी कश्मीर के लोगों से प्यार करते थे और कश्मीर के लोग भी उन्हें प्यार करते थे। आज उनकी कमी हमें सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। नजरबंद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में क्या होने वाला है इसका उन्हें अंदाजा नहीं, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों से शांति की अपील की है। इसके बाद दूसरी पार्टियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के शशि थरूर ने नजरबंदी के फैसले का विरोध जताते हुए ट्विटर पर लिखा, उमर अब्दुल्ला आप अकेले नहीं है, हर लोकतांत्रिक भारतीय कश्मीर के नेताओं के साथ है। संसद सत्र चल रहा है, हमारी आवाज को खामोश नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, रात में नेताओं की गिरफ्तारी क्यों की गई जिन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर कश्मीर के लोग हमारे नागरिक हैं तो उनके नेता भी हमारे साथी हैं। इसके अलावा घाटी में सुरक्षा पहरा कड़ा कर दिया गया है। पूरे कश्मीर में धारा 144 लागू कर दी गई, मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद है, लैंडलाइन के फोन भी काम नहीं कर रहे। कश्मीर के हालात पर राज्यपाल ने देर रात डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की और चीफ सेक्रेटरी से हर घंटे के हालात पर रिपोर्ट मांगी है। नजरबंद किए जाने से पहले इन नेताओं ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी शिरकत की थी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल हुए। तो आधी रात में घाटी के बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया। घाटी में धारा 144 लागू है और जम्मू में भी धारा 144 लागू है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ताजा हालात बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में असमंजस की बनी स्थिति के बीच जम्मू में भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हम इस समय जम्मू के मुख्य
विक्रम चौक में खड़े हैं और यहाँ पर किस तरह से शहर के बीचों बीच बैरिकेडिंग की गई है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी तरह से पूरे शहर को बैरिकेड कर दिया गया है, इस तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और मेरे पीछे आप नजारा देख सकते हैं किस तरह पुलिस ने यहाँ जगह जगह मोर्चा संभाल रखा है। कमोवेश यही स्थिति पूरे शहर की है। शहर में हालांकि औपचारिक तौर पर धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बिल्कुल आप मेरे बिल्कुल सामने अगर मैं कैमरामैन को कहूं तो ये जम्मू का मुख्य तवी पुल है। तवी पुल की क्या हालत है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और तवी पुल की तरफ जाने वाली हर एक सड़क को जाम कर दिया गया है। क्या फ्लाईओवर और क्या मुख्य सड़क, किस तरह से यहाँ तवी पुल जो कि मुख्य पुल है जम्मू का जो पुराने शहर को नए शहर से जोड़ता है, वहां किस तरह के हालात हैं ये आप देख सकते हैं। लोग पैदल जाने पर मजबूर हैं और जम्मू में औपचारिक तौर पर धारा 144 लागू है, लेकिन हालात कर्फ्यू जैसे हैं। वहीं अगर स्कूल कॉलेजों की बात करूं तो एहतियातन जम्मू, उधमपुर, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, सब जगह जो स्कूल कॉलेज हैं उन्हें एहतियातन बंद कर दिया गया है। और वहीं सरकारी दफ्तरों में, क्योंकि इस तरह के हालात बने हैं, ऐसे में सरकारी दफ्तरों में लोग जाने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं खासे परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं जम्मू में पहुंच रहे यात्रियों की तो आप सामने देखिए किस तरह यहां लोग जो है वो पैदल चलने को मजबूर हैं। यहां पर यात्रियों की क्या हालत है आप देख सकते हैं। पैदल कहाँ जा रही हैं आप? हम यात्रा से आए हैं, रास्ते में छोड़ दिया हम लोगों को, बैग हमारे पास है, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास है, हमें ना कोई ऑटो वाला उठाता है ना कोई गाड़ी वाला उठाता है हम लोगों को। कहाँ, कौन सी यात्रा से आ रहे हैं? हम मचेल यात्रा से आते हैं। कहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, ऐसे दर हम आ रहे हैं उधर क्या बोलते हैं नगरोटा से, वही गाड़ी छोड़ दिया गाड़ी ने। तो आप देख सकते हैं मचेल यात्रा जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, ये वो यात्री हैं और इनका ये आरोप है कि पैदल ना ऑटो है ना पैदल चलने पर ये मजबूर हैं। वहीं इसके साथ ही जम्मू में जो है इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बासु, एबीपी न्यूज जम्मू। कश्मीर में अलर्ट के बीच मोदी सरकार की आज होने वाली अहम बैठक के लिए ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें कश्मीर को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। कश्मीर में हो रही हलचल के बाद हर किसी के मन में सवाल है कि कश्मीर में क्या बड़ा होने वाला है। इसका जवाब शायद आज मिलने वाला है। सुबह 9:30 बजे पीएम आवास पर मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट की इस बैठक में कश्मीर के मौजूदा हालत पर चर्चा हो सकती है और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब जम्मू कश्मीर में अलर्ट को लेकर देश भर में सरगर्मी तेज है। रविवार को भी गृह मंत्री अमित शाह ने कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में शाह के साथ NSA अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गौबा भी मौजूद थे। अमित शाह ने सिक्योरिटी के मामले को लेकर बैठक की है। अब मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक को भी कश्मीर के हलचल से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आम तौर पर मोदी मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को होती है, लेकिन इस बार सोमवार को होने जा रही है, जिस पर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। घाटी में सेना की बड़ी तैनाती, कश्मीर से लौटते पर्यटक, पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतार, इन सारी तस्वीरों के बीच लोगों के जहन में सवाल तो है कि कश्मीर में क्या होने वाला है। मोदी सरकार के विरोधी डर कायम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो समर्थकों का दावा है कि सालों से जिसका इंतजार था वो अब होने वाला है। अनुपम खेर ने कहा, क्या होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इस पर नजर बनाए हुए हमारे दो संवाददाता विकास भदौरिया पीएम निवास से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इसके अलावा नीरज पांडे अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं, उन दोनों से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। विकास, तकरीबन 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या हलचल फिलहाल आप देख पा रहे हैं और क्या वाकई एक बड़ी खबर देश के लिए आज यहां से निकलने जा रही है? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर यहाँ से निकलने जा रही है। पीएम आवास पर अभी कोई हलचल नहीं है, क्योंकि तकरीबन जब 9:30 बजे बैठक शुरू होनी है तो उससे करीब 15-20 मिनट पहले यहाँ पर तमाम कैबिनेट के सदस्य पहुँचना
शुरू होंगे, लेकिन एक बड़ा नीतिगत फैसला हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार लेने जा रही है और उसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर तमाम जो सुरक्षा बल है उसको कश्मीर में तैनात किया गया है। जो नेता आग उगलते थे स्थानीय कानून के खिलाफ, कानून की धज्जियां उड़ाने के की बातें किया करते थे, उनको नज़रबंद किया गया है। अफवाहें ना फैलें इसलिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए लोगों को कहा गया है कि घरों में रहें और धारा 144 लगा दी गई है। और ये सारे इंतजाम इस कैबिनेट की बैठक से जो बड़ा नीतिगत फैसला होना है उसके मद्देनजर किए गए हैं। सरकार इस नीतिगत फैसले का कैबिनेट के बाद घोषणा करेगी और संभवतया लोकसभा में इसकी घोषणा की जाएगी। संसद में बयान देकर सरकार बताएगी कि आखिर उसने क्या नीतिगत फैसला लिया है। ये तमाम जो पिछले तकरीबन एक महीने से तैयारी चल रही थी सरकार की, वो इसी नीतिगत फैसले के मद्देनजर चल रही थी। कल सुबह सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटे हैं। संभवतया जो सरकार नीतिगत फैसला लेगी उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की असेंट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए राष्ट्रपति पहले से दिल्ली में कल सुबह ही आ चुके हैं। तो यहाँ से जो बड़ी खबर निकलेगी, जो नीतिगत फैसला होगा, वो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के इतिहास में एक तरह से पन्ना उलट देने वाला फैसला होगा। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी जानकारी विकास आप हमें दे रहे हैं। एक बड़ा नीतिगत फैसला पीएम आवास से आज आने वाला है, कैबिनेट की बैठक है सुबह 9:30 बजे। विकास हम आएंगे आपके पास, इस वक्त हमारे साथ नीरज पांडे भी जुड़ गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के घर से वो लाइव बने हुए हैं। अमित आपसे, माफ कीजिएगा नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक ली थी जिसमें एनएसए भी मौजूद थे, सवाल यही कि क्या कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला आज आने वाला है? जी बिल्कुल, अमित शाह फिलहाल अपने आवास में हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं देर रात तक अमित शाह गृह मंत्रालय में रहे, वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे और पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार कोई नीतिगत फैसला लेने जा रही है। बहुत कुछ विकास ने बता दिया है, विकास से मैं हद तक सहमत हूँ और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी अमित शाह अपने आवास पर हैं, कुछ अधिकारियों की एक टीम पहुंची है और उनके साथ मीटिंग चल रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, देर रात तक उन्होंने गृह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर रात में भी उनके घर पर हलचल देखी गई, रात में भी उनके घर में कुछ लोगों का आना जाना रहा, वो निश्चित रूप में गृह मंत्रालय के अधिकारी ही रहे हैं। अभी सुबह भी कुछ लोग अंदर गए हुए हैं लेकिन ये नहीं कन्फर्म हो पाया, चूँकि दोनों तरफ से गाड़ी में शीशे में पर्दे लगे हुए थे तो कौन अंदर था ये नहीं पता चल पाया, लेकिन वो लोग अंदर गए हुए हैं। तो निश्चित रूप में ये जिस तरह से तैयारी चल रही है, सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें कोई ना कोई बड़ा नीतिगत फैसला होने वाला है और उसी को लेकर केंद्र सरकार लगातार तैयारी में जुटी हुई। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से आप देखिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, कल इंटरनेट सेवाएँ ठप कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, ज़्यादातर सरकारी इंस्टीट्यूशन खाली करा लिए गए हैं, यात्रियों को वापस भेज दिया गया। इससे साफ है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है जो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को एक नई दिशा और नई राह दिखाने वाला होगा। नीरज पांडे, विकास भदौरिया, आप लगातार मोर्चा संभाले रखें क्योंकि पल पल की जानकारी हमें आपसे मिलती रहेगी। इन सब के बीच संसद में भी उठ सकता है आज कश्मीर का मुद्दा। मोदी सरकार आज विरोधियों के हर सवाल का जवाब संसद में देगी, बयान देगी। कश्मीर में क्या बड़ा होने वाला है, इस बड़े सवाल को लेकर न सिर्फ घाटी के भीतर राजनीति करने वाले नेता हलकान हैं, बल्कि कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी पार्टी के मन में भी सवाल है कि मोदी सरकार कश्मीर में क्या फैसला लेने वाली है। संसद में आज कश्मीर को लेकर लोगों के मन में घूमते इन सारे सवालों का जवाब मांग सकता है विपक्ष और उम्मीद है कि मोदी सरकार कश्मीर पर अपना रुख जाहिर करे। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि कांग्रेस ने भी सरकार से कश्मीर मुद्दे पर स्थिति साफ करने की मांग की है। इसके अलावा जेडीयू ने भी अमरनाथ यात्रा को लेकर एडवाइजरी पर सफाई मांगी है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह अपने घर से रवाना हो रहे हैं और नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। जिस समय हम खड़े हैं आप देख रहे हैं अमित शाह के आवास पे और आप देख सकते हैं अमित शाह का काफिला धीरे धीरे निकलना तैयार, यहाँ पे तैयार हो गया है अमित शाह जी का काफिला जो निकलने की तैयारी में है। कुछ गाड़ियां बाहर निकल आई हैं और कुछ गाड़ियां निकलना शुरू हो गई। ये देखिए आप, गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी हैं जिसमें वो लोग अभी तक मीटिंग चल रही थी अंदर,
अमित शाह के आवास पे मीटिंग चल रही थी, वो बाहर निकल रहे हैं और माना जा रहा है अगले कुछ पल में, अगले एक दो मिनट के अंदर अमित शाह निकलने वाले हैं। चूंकि उनका काफिला बाहर लग गया, उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो गए हैं और सिक्योरिटी लगने के बाद ये तय माना जाता है गृहमंत्री अपने घर से निकलने वाले हैं। क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी गाड़ियाँ हैं वो पहले ही लग जाती हैं 5 मिनट पहले, तो अमित शाह का माना जा रहा है कि मीटिंग खत्म हुई है क्योंकि कुछ अधिकारी अभी उनके घर से निकले हैं और वो अधिकारी निकलकर सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ निकले हैं। अब ये माना जा रहा है कि कुछ ही पल में गृह मंत्री निकलने वाले हैं, जो यहाँ से सीधा निकलकर 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे और वहाँ पर जो 9:30 बजे बैठक होने वाली है उसमें प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे। आप देखिए सीधे सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये भाजपा अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह निकल रहे हैं, साथ में उनके कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी हैं। आप देख सकते हैं ये रविशंकर प्रसाद और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों लोग यहां से निकले और एक लंबी बैठक हुई है। निश्चित रूप में इस देश की कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत अहम बैठक रही है ये, और अब जो 7 लोक कल्याण मार्ग में बैठक होने वाली है उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद दोनों निकले हैं। ये भी कुछ तय था कि अंदर काफ़ी देर से बैठक चल रही थी, सुबह से बैठक चल रही थी, लेकिन जब अंदर गाड़ियां गई थी उसमें शीशे में पर्दे लगे हुए थे, ये नहीं पता चला कि कौन था, लेकिन रविशंकर प्रसाद थे, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, जो पिछले 1 घंटे से अधिकारियों के साथ और गृह मंत्री के साथ मंत्रणा कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे और क्या क्या अहम निर्णय हो सकते हैं उस पर बात कर रहे थे। अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अधिकारियों की पूरी टीम यहां से निकल चुकी है और निश्चित रूप में वो 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ रवाना हुई है, जहां पर एक अहम बैठक, एक कैबिनेट की अहम बैठक 9:30 बजे होनी है और उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर एक नीतिगत फैसला लिया जाना है। जी वाकई तस्वीरें आपने हमें दिखाई नीरज की, अमित शाह वहां से रवाना हो गए। बड़ी बात यह कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी उनके साथ मौजूद हैं और उसके बाद वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री आवास, जहां तकरीबन 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। हलचल तेज है, गृहमंत्री अमित शाह अपने घर से रवाना हो चुके हैं और उनके साथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद हैं। कश्मीर को लेकर हलचल में सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, उससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे हैं, पीएम के घर पहुंचे हैं अजीत डोभाल। बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई नीतिगत फैसला हो सकता है, ऐसा फैसला जो दिल्ली से लेकर घाटी तक हालात प्रभावित करेगा। लेकिन इस बैठक से पहले गृहमंत्री अमित शाह अपने आवास से निकले हैं। बड़ी खबर अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता आशीष कुमार से। आशीष, पीएम आवास पहुंचे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कल गृहमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए गृहमंत्री अमित शाह भी निकल चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पहुंचने के लिए, संभवतः वो भी पहुंच चुके होंगे अब तक। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहले से 9:30 बजे बहुत क्रूशियल कैबिनेट की बैठक है जो प्रधानमंत्री शेयर करने वाले हैं। जो हमें सूत्रों से जानकारी है, जो सरकार के उच्च सूत्रों का कहना है, उनका कहना है कि आज कश्मीर को लेकर के पॉलिसी डिसीजन होना है, कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन होना है जिसकी अनाउंसमेंट कैबिनेट के बाद कर दी जाएगी, सभी की नजर है इस पर। इसी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंचे हैं, अमित शाह पहुंचे, प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी और 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि कश्मीर पे आज कोई बड़ा पॉलिसी फैसला होना है जिसकी अनाउंसमेंट कैबिनेट की बैठक के बाद कर दिया जाए। आशीष आप लगातार हमारे साथ बने रहे, विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विकास आपके पास जानकारी ही आ रही है कि अमित शाह पहुंच गए पीएम आवास, बताएं अपडेट दें। या बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह 7LKM यानी कि प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो गृह मंत्रालय के तमाम अफसर हैं उनकी फौज भी पहुंची हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले से यहां मौजूद थे। तो अब जो 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है उसके लिए जो एजेंडा है उस पर बैठक शुरू हो चुकी है ये माना जाए। देखिए कानून मंत्री का साथ होना गृह मंत्री के, ये इस और इशारा करता है कि एक बड़े कानून में बदलाव किया जा रहा है। वो बदलाव क्या होगा? जम्मू कश्मीर के कानून में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, वो बदलाव क्या होगा ये कैबिनेट की बैठक के बाद जब सरकार संसद में बयान देगी उसके बाद स्पष्ट होगा, लेकिन जो कवायद है वो पूरी हो चुकी है। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखें, कल सुबह राष्ट्रपति अफ्रीकी देशों वाकई और उस पूरे सीक्वेंस पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। विकास आप भी नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई जो हलचल देश में तेज